राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली डॉट ई आर पी नाइन, टेली डॉट ई आर की नाइन की क्लास में आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं और वो टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है वो ये रहेगा। हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि यदि हम किसी आइटम में यदि सेल करें और किसी फिक्स डेट पे सेल करें, जैसे मैं यहाँ पे 1 मई 2023 को एक माल सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये आइटम में क्वांटिटी में जैसे यहाँ पे आ रहा है क्वांटिटी 220, मैंने यहाँ पे जैसे ही 10 पीस यहाँ पे दिए, अपने आप ये क्या करता है, इसको रेट लेता है 250 रुपये, ठीक है, ऑटोमेटिक इसने अपने आप क्या रेट ले लिया है, 250 रुपये लिया है। और यदि मैं पीस 50 से ज़्यादा और 100 के बीच में बेचता हूँ, जैसे मैंने 60 पीस बेच दिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 60 पीस पे इसने 225 रुपये का रेट अपने आप लिया है। यदि मैं 100 से और 150 के बीच में अगर माल बेचता हूँ, मैंने बेच दिया 125, ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि रेट अपने आप इसने 200 लिया है। और यदि मैं इसको 150 से ज़्यादा बेचता हूँ, मैंने 160 दे दिया यहाँ पे और एंटर किया, तो यहाँ पे आपको इसने अपने आप 200 रुपये रेट लिया है, लेकिन यहाँ पे इसने डिस्काउंट में 1% और भी लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने प्राइस लिस्ट को फिक्स किया हुआ है और आज का जो टॉपिक आपका रहने वाला है वो प्राइस लिस्ट का ही है। हम किसी भी आइटम के लिए फिक्स कर सकते हैं कि कितने अमाउंट पे हम लोग कितने पीस पर क्या रेट रखना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने देखा था अभी अभी, तो इस तरीके से ये जो दिखाया गया है ये किस तरीके का टॉपिक है, कैसे वर्क करेगा, कैसे इसमें प्रैक्टिकली काम करेगा, किस तरीके से इसके ये सारी चीज़ें क्रिएट होंगी, उसको भी प्रैक्टिकली देखने के लिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर में टेली डॉट ई आर पी नाइन चालू कर लेना है। जैसे आप टेली डॉट ई आर पी नाइन चालू करोगे तो आपकी टेली चालू हो जाएगी और चालू करने के बाद आप अपने कंप्यूटर के अंदर अपनी टेली में अपनी कंपनी को ओपन करें। मैंने यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से एक कंपनी ओपन कर ली है। यदि आपको ये टॉपिक नहीं आता कंपनी बनाना, तो आप चैनल ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में जाएं और वहाँ पे प्लेलिस्ट में से 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो देख लें, उसमें कंपनी बनाना सट सेलेक्ट करना सिखाया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले करने के लिए आपको करना क्या होगा कि हम लोग जो टॉपिक करें वो प्राइस लिस्ट का है, हम लोग रेट निर्धारित करना चाहते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले F11 में जाना है और यहाँ पे या फीचर्स पे क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से F11 क्लिक करें और यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाना है। जैसे आप इसके अंदर पहुँचते हो तो यहाँ पे आपको जो हम लोग टॉपिक करें वो इन्वेंट्री का टॉपिक है, इसलिए आप कीबोर्ड से या तो F2 प्रेस करें या इन्वेंट्री पे क्लिक कर दें। जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री के टॉपिकों में आप जाते हो तो आपको यहाँ पे एक टॉपिक मिलेगा इनवॉइसिंग के अंदर, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको आपको यस करना होगा। देन इसके बाद में आपको सेल्स मैनेजमेंट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स को यस करना होता है। जैसे इसे यस कर लेंगे, यस करने पर आपके पास में यहाँ पे कंपनी प्राइस लेवल्स को नाम देने के लिए ऑप्शन आएगा और यहाँ पे हमने नाम दे दिया प्राइस, यहाँ पे हम लोग नाम देंगे प्राइस, प्राइस लिस्ट, हम प्राइस लिस्ट नाम से एक नाम दे रहे हैं यहाँ पे और एक ही नाम दे रहे हैं, हम सेकंड नहीं ले रहे हैं, और एंटर करके इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ये करने से आपका जो प्राइस लिस्ट है वो प्राइस लिस्ट एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद एस्केप की से बैक आ जाएंगे, आपको बैक गेटवे ऑफ टेली पे वापस आ जाना है। यहाँ आने के बाद में अब आपको करना क्या है, ये जो टॉपिक चालू हुआ है वो मिलेगा कहाँ पे, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर मिलेगा और इसमें प्राइस लिस्ट के अंदर मिलेगा। प्राइस लिस्ट में आपको जाना होता है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है स्टॉक ग्रुप का नेम क्या है, आप चाहे तो किसी पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर के लिए भी बना सकते हो, आप चाहे तो सभी आइटमों को भी ले सकते हो, तो वहाँ पे ऑल आइटम्स हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि प्राइस लिस्ट का नेम क्या है, लिस्ट ऑफ प्राइस लेवल्स में से आपको हमने जो नेम दिया है वहाँ प्राइस लिस्ट दिया है, ये सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद पूछा है कि एप्लीकेबल फ्रॉम कब से आप इसको चालू करना चाहते हो, यहाँ पे 31 मार्च 2024 आ रहा है, मान लें मैंने ये कर दिया 1.1, मैं 1 जनवरी 2024 से ये चालू करना चाहता हूँ, तो ये इसके बाद में काम करेगा, उससे पहले नहीं करेगा, तो इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग बना देते हैं, मान लेते हैं कि मैंने ये आइटम एक कीबोर्ड पे बना दिया, आप GST वाला भी ले सकते हैं, विदाउट GST वाला भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी आपके पास है वो लेंगे। देन यहाँ पे पूछा गया है कि लेस देन के अंदर क्या रखना है, मैंने रख दिया कि 50, लेस देन 50 यानी कि 50 से कम यदि पीट्स कोई हमसे लेता है तो हाँ उस पर हम लोग 250 रुपये रेट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग ये बनाते किस तरीके से, हमने यहाँ पे 250 तो बना रख ले लिया, लेकिन ये गलत है या सही है उसके लिए आपको ध्यान देना है। यदि प्राइस कोस्ट में
पहले से कुछ आ रही है कॉस्ट, यहाँ पे 282.31 पर पीस आ रही है, इसका मतलब आप यहाँ पे 250 नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे हमें फिर ज़्यादा देना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि मैंने जो एग्जाम्पल में दिया था वो 250 रखा था, लेकिन मैंने यहाँ पे ले लिया 450, तो हम लोग रखेंगे, हमारे पास में 382.31 में आया, तो हमने क्या है कि 50 पीस से कम पर 450 का रेट रखा है हमने। देन 50 पीस पे हम लोग 50 से फ्रॉम 50 यानी कि 100, 50 से 100 के बीच में यदि कोई पीस लेता है तो उसका मैंने 425 कर दिया है। और इसके बाद में एंटर करेंगे, यहाँ पे आ रहा है 100 पीस, 100 पीस से 150 पीस यदि कोई लेता है तो मैंने उसका 400 रुपये रेट कर दिया है। देन यदि 100 से ज़्यादा यदि कोई हमसे लेता है तो उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे क्या है कि लेस देन में नहीं डाल रहा हूँ, उससे ज़्यादा कितने भी पीस ले वो 400 रुपये रेट ही लगेगा, और उस पर 1% का उसको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक आइटम के लिए बनाया है, आप चाहे तो किसी और आइटम के लिए बना सकते हो, जैसे आप माउस के लिए बना सकते हो, अदर किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक आइटम का बना के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी वीडियो बड़ी हो जाएगी, क्लास ज़्यादा हो जाती है तो कंप्लीट देख नहीं पाते हो, ऐसे आप बाकी सभी के लिए बना लेंगे। बस आपको बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्राइस कॉस्ट जो है उससे ज़्यादा आपको रखना है, और प्लस उतना रखना है कि जो लास्ट का रेट रहेगा वो आपकी प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा रहना चाहिए, वरना आपको नुकसान होगा। एक्सेप्ट कर लेंगे इसको और एस्केप की से बैक आ जाएंगे। बैक आपको किस जगह तक आना होता है, गेट ऑफ डेली तक पहुंचना है वापस, और इसके बाद में माल को आपको सेल करना है। अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे अपन, और वहां पे सेल करने के लिए सेल का वाउचर है, F8 प्रेस करें या सेल्स पे क्लिक करें, और यहाँ पे वाउचर टाइप में हम लोगों ने सेल्स ले लिया। अब यहाँ पे जैसे आप आते हो रेफरेंस नंबर से आगे बढ़ेंगे तो पार्टी नेम में जिस भी पार्टी को आप बेच रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया मोहन एंड सन्स। ठीक है, और यहाँ एंटर करते हो आगे बढ़ सकते हो, या कंट्रोल ए प्रेस करके भी एक साथ आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो प्राइस लिस्ट का है, प्राइस लेवल्स का है। प्राइस लेवल में हम लोग अगर बात करें तो प्राइस लेवल में मैंने प्राइस लिस्ट बनाया है, इसको सेलेक्ट करना होगा तभी वो टॉपिक काम करेगा, वरना नहीं करेगा। दूसरी बात है सेल्स लेजर में आपको सेल्स ले लेना है, और इसके बाद नेम ऑफ आइटम में आपको आइटम लेने हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो ये जो यहाँ पे डेट आती है, जैसे 31 मार्च 2024, अगर ये उस डेट से बाद है तो काम करेगा, उससे पहले है तो नहीं करेगा। मैं इसको F2 से प्रेस करके मैं इसको कर देता हूँ 1.12, मैंने क्या कर दिया 1.12 यानी कि 1 दिसंबर 2023। अब इसमें देखते हैं प्राइस लिस्ट भी हमने लिया हुआ है, ये वर्क करता है या नहीं। यहाँ पे हमारा आइटम था कीबोर्ड मैंने यहाँ से लिया। देन यहाँ पे क्या है कि ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे भी आपका ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल, और लोकेशन में M दबा के मैन लोकेशन। यहाँ पे मैंने 10 पीस दिए, अपने आप इसने रेट नहीं लिया है। राइट, बैक आते हैं, और बैक आने के बाद में यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ F2 इस डेट पे भी क्लिक कर सकते हो, और यहाँ से 1.1 कर लेते हैं। जैसे मैं 1.1 करता हूँ यहाँ पे 1 जनवरी 2024, उससे के बाद में जो भी डेट होंगी अपने आप काम करेगा। देखो मैंने जैसे यहाँ पे 10 पीस दिया, यहाँ पे अपने आप रेट इसने 450 ले लिया। मैंने जो प्रैक्टिकली जो दिखाए थे उसमें 250 था, मैंने वहाँ पे क्या है कि मेरी जो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी इसलिए मैंने यहाँ पे 450 लिया। अपने आप इसने 10 पीस यानी कि 50 से कम में लिया है तो 10 इसने 450 रेट दिया है। अब मैं 50 से 100 के बीच में देता हूँ, मैंने 60 पीस दिया और मैं बैक किया, यहाँ पे आप रेट देखोगे तो अपने आप 425 लिया इसने। और इसके बाद यदि 100 से 150 के बीच में देते हैं, मैंने 120 दिया, एंटर किया, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, ये 400 रुपये की रेट दिखाएगा। यदि 150 से ज़्यादा आप लेते हो, जैसे मैंने ले लिया 160, एंटर करेंगे, रेट 400 ही होगा, लेकिन 1% का डिस्काउंट भी दिया गया है। तो इस तरीके से अब इससे ज़्यादा जितने भी पीस लोगे, चाहे आप 250 पीस ले लो, लेकिन आपका जो रेट है वो लास्ट रेट था 400 रुपये पर पीस और प्लस 1% का डिस्काउंट। तो इस तरीके से जो ये टॉपिक है बिल्कुल कंप्लीट है, मैंने एक टॉपिक एक आइटम के लिए आपको बनाना बताया था, जैसे कीबोर्ड, आपके सभी आइटम के लिए भी इस तरीके से रेट निर्धारित कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से इस वीडियो में इस क्लास में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में डाल सकते हो, और यदि समझ में आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी एडवांस आने वाला है, वो भी प्राइस लिस्ट से संबंधित होगा, और वो जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मल्टी लेवल प्राइस लिस्ट, यानी एक से ज़्यादा जो डीलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, और जो होलसेलर होते हैं, उन सब के लिए हम लोग अलग अलग टाइप से रेट निर्धारित कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उस क्लास को लेने के लिए चैनल पर बने रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।